ऊना जिला मुख्यालय के उपायुक्त कार्यालय में आज रोड सेफ्टी को लेकर अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता खुद डीसी राघव शर्मा ने की। इस मौके पर जिला भर में हुए हादसों पर भी मंथन किया गया। वहीं पिछले साल की तुलना में इस साल कम हादसों और मौत के आंकड़ों में आई कमी पर संतोष भी जताया गया। साथ ही जिला में पेंडिंग चल रहे करीब 5 लाख ब्लॉक स्पॉट्स को भी जल्द दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश का सीमांत जिला होने के चलते यहां पर यातायात अन्य जिलों के मुकाबले अत्यधिक रहता है। ऐसे में सड़क हादसे यहां पर सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आए थे। इसी समस्या से निपटने के लिए रोड सेफ्टी के माध्यम से जिला भर में सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय नवरत्न ज्वेलर्स नाहन। रोड सेफ्टी कमेटी की आज बैठक की गई है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के सभी हमारे इंजीनियर, एसपी ऑफिस, एजुकेशन डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो उस बैठक में सम्मिलित थे। इसमें हमने जितने भी ब्लैक स्पॉट्स जो हमारे नेशनल हाईवेज पे हैं और पीडब्ल्यूडी के लिंक रोड्स पे हैं, उनको सही करने के जो निर्देश दिए हैं। काफ़ी जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो डिपार्टमेंट्स द्वारा जो है वो ठीक भी कर दिए हैं, और अब लगभग 5 जो ब्लैक स्पॉट है वो रिमेनिंग है, जिनको अगली मीटिंग तक ठीक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एजुकेशन डिपार्टमेंट को निर्देश दिए कि जहाँ जहाँ स्कूल्स में बच्चे जो निकलते हैं और वहाँ रोड सेफ्टी का कोई इशू है, तो उस इशू को प्रिंसिपल्स के माध्यम से चिन्हित करें और कमेटी के सामने रखें, जिससे कि उन रोड स्ट्रेचेस का जो इम्प्रूवमेंट हो सके। जिला में जो रोड एक्सीडेंट्स की रफ्तार है उसमें थोड़ी कमी आई है। पिछले वर्ष 235 डेथ्स पूरे साल हुई थी, और इस वर्ष अभी तक जो है वो 235 एक्सीडेंट्स पिछले साल हुए थे। इस बार 114 एक्सीडेंट अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं, और डेथ्स भी पिछले साल 88 के करीब हुई थी, जो कि अभी 38 इस वर्ष रिकॉर्ड की गई है। तो इसमें पिछले एक साल से NH पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी जगह पे ब्लैक स्पॉट्स का, जिसकी वजह से ये चेंजेस हुए हैं। तो सभी डिपार्टमेंट्स को ये बोला गया कि ब्लैक स्पॉट्स के इम्प्रूवमेंट को प्राथमिकता दें। साथ ही जो ड्राइवर्स हैं, स्पेशली जो गुड्स कैरिज लेके जाते हैं, उनके एजुकेशन के लिए और स्कूल की जो बसेस हैं उनके सरप्राइज इंस्पेक्शंस के लिए RTO को डायरेक्ट किया गया है कि एक मुहिम चलाएं और सभी स्कूल्स की बसेस की चेकिंग करें कि वहाँ ड्राइवर्स हैं वो वैध लाइसेंस के साथ हैं और बाकी सारी जो नियम है उनको वो मानकों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। और जो गुड्स कैरिज के जो व्हीकल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स उनमें देखे गए हैं, तो उसके लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ मीटिंग करके उन सभी को जागृत करने के लिए जो है अभियान चलाने के बारे में बताया गया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।